हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15, हाइड्रोकार्बन, स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो लास्ट वाले क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हम लोगों ने देखा था अल्केन्स को, और फिर हम लोगों ने स्विच किया था अल्कीन्स को। मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि अल्कीन को हम लोग बहुत सारे अलग अलग वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक है आपका इंडस्ट्रियल सोर्स, इंडस्ट्रियल मेथड की हेल्प से भी आप अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में फिर से तीन टाइप्स थे। पहला था आपका डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, सेकेंड था आपका डीहाइड्रेशन रिएक्शन, और थर्ड था आपका डीहैलोजनेशन रिएक्शन। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन वाला सेक्शन था, इसमें के जो दो रिएक्शन थे डीहाइड्रोहैलोजनेशन और डीहाइड्रेशन रिएक्शन विथ सेट्ज़ेफ रूल, इसको हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। उसी के कंटिन्यूशन में आज के क्लास में हम लोग मूव कर रहे हैं आपके आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अल्कीन बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का थर्ड वाला टाइप जिसका नाम है बाय डीहैलोजनेशन रिएक्शन। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना डिस्कस करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के थर्ड वाले सब पार्ट को, जिसका नाम है फ्रॉम हेलो कंपाउंड्स बाय डीहैलोजनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका थर्ड वाला टाइप। थर्ड वाला जो टाइप है उसमें हम लोग देख रहे हैं बाय डीहैलोजनेशन। डीहैलोजनेशन से आप कैसे बनाएंगे अल्कीन्स को। ठीक है भाई, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ, हम लोग समझते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले ये है आपका CH3, ये है आपका CH3। मैंने एक कंपाउंड लिया है, यहाँ पर है आपका हैलोजन, एक सेकेंड, और यहाँ पर भी है आपका हैलोजन। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना, ये जो X होता है ना, इस X का मतलब होता है हैलोजन। अब यहाँ पे ये जो X है, इस X का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, इसी X का मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, इसी X का मतलब ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ X, तो याद रखना है इस X का मतलब हैलोजन होता है, और ये हैलोजन आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये है आपका हेलो अल्कीन्स, जिसकी हेल्प से मैं बनाने वाली हूँ अल्कीन को। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को कि एक्चुअली कैसे क्या ये रिएक्शन हम लोगों को करना है। ठीक है, ध्यान देना ज़रा, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये जो जिंक है, ये एक मेटल है, आप सभी को पता होगा कि जिंक एक मेटल होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर ये भी पता होनी चाहिए कि जो जिंक होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, जिंक के ऊपर में चार्ज होता है +2। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका जिंक है ना, वो हमेशा दो बॉन्ड बनाता है। ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है जिनके बिना आप रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के थर्ड वाले सब टाइप को, जिसका नाम है बाय डीहैलोजनेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। डीहैलोजनेशन में हम लोग क्या करेंगे वो सब अपन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज़ को तो क्लियर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो यहाँ पे X है, इस X का मतलब हैलोजन्स होते हैं। ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और यही आपका आयोडीन भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी आपका जिंक मेटल होता है, हमेशा उसके ऊपर में चार्ज +2 आता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं ग्रुप 1 के, उनके ऊपर चार्ज हमेशा +1 आता है। अल्के लाइन अर्थ मेटल्स जो रहते हैं ग्रुप 2 के, उनके ऊपर में चार्ज हमेशा +2 आता है। इन द सेम फैशन, इन द सिमिलर फैशन, जो भी आपका ZN है, इसी का मतलब जो भी आपका जिंक है, उसके ऊपर हमेशा चार्ज +2 होता है। और इसका एक और सेंस ये है कि जो भी आपका जिंक है, इसके ऊपर में चार्ज +2 आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका जिंक है, वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। अब देखो यहाँ पे है जिंक, और यहाँ पे दिख रहे हैं आपको दोनों के दोनों हैलोजन। ठीक है, यहाँ पे देखो होगा क्या, ये वाला जो जिंक है ना,
ये दोनों के दोनों हैलोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, जेड एन एक्स टू। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जिंक तो एक ही था और हैलोजन तो दो दो थे, फिर ये कंपाउंड कैसे क्या बना। क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जिंक तो एक ही था और हैलोजन तो दो दो थे, फिर एक जेड एन ने दो हैलोजन के साथ में कैसे क्या कंबाइन हो गया। तो आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो भी आपका जेड एन होता है हमेशा उसके ऊपर में चार्ज आता है प्लस टू, इसका मतलब वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड। इसलिए यहाँ पे भी उसने कितने बॉन्ड बनाए, दो बॉन्ड। तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन में एक ही जेड एन दिया जाएगा। आपको समझ जाना है कि भले यहाँ पे एक जेड एन भी क्यों ना है, लेकिन याद रखना है कि जिंक जो होता है चार्ज प्लस टू होने के वजह से हमेशा दो बॉन्ड बनाता है। इसलिए एक जिंक जो है वो खुद काफ़ी है दो हैलोजन के लिए, इसलिए ये जेड एन ने दोनों के दोनों हैलोजन के साथ में बॉन्ड को बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे था आपका सी एच टू और यहाँ पे भी था आपका सी एच टू, यहाँ पे भी सी एच टू था और यहाँ पे भी सी एच टू था, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था। अब ज़रा ध्यान से देखो, एक हैलोजन यहाँ से निकला, एक हैलोजन यहाँ से निकला, मतलब पहला वाला जो आपका एक्स था, पहला वाला जो आपका हैलोजन था वो ये कार्बन से रिमूव हो रहा है, सेकेंड वाला जो आपका हैलोजन था वो ये कार्बन से रिमूव हो रहा है, मतलब एक एक ग्रुप ये कार्बन से रिमूव हो रहे हैं। तो ये दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसलिए इसके बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका बन गया अल्कीन। ठीक है, इतना चीज़ समझी या नहीं समझी। चलिए एक बार अब अपन लोग इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसका नाम है डी हैलोजिनेशन। इस डी का मतलब होता है रिमूव करना, डी का मतलब होता है रिमूव करना, उसको निकालना, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन को रिमूव करना, हैलोजन मतलब ही एक्स। तो अगर आपको कहीं पे भी नाम दिखता है डी हैलोजिनेशन रिएक्शन तो समझ जाना कि डी का मतलब होता है रिमूव करना, निकालना, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन को। तो डी हैलोजिनेशन का टुगेदर वाला मतलब क्या हुआ कि हैलोजिनेशन को हमको रिमूव करना है, हैलोजिनेशन को हमको हटाना है, हैलोजन को हमको निकालना है, इसी का मतलब होता है डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर आप लोग इस रिएक्शन में देखते हो तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो एक्स है ना ये हैलोजन है और ये दोनों के दोनों हैलोजन रिमूव हो रहे हैं, मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपकी डी हैलोजिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट, जिंक ने यहाँ पे एक जिंक ने दो हैलोजन के साथ में बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि जिंक के ऊपर में चार्ज प्लस टू होता है, दैट मीन्स कि जिंक जो होता है वो टोटल दो बॉन्ड बनाता है। यहाँ से जब एक ग्रुप निकलता है, सेकेंड ग्रुप यहाँ से निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बढ़ते हैं हम लोग आगे के रिएक्शंस की तरफ। ये तो हुई आपकी फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस लिख दिए। अब ये सारे के सारे रिएक्शंस को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सारे के सारे रिएक्शंस एक जैसी है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, जो फर्स्ट वाले रिएक्शन में किया है वही सारे के सारे रिएक्शंस में आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे एक चेंज ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक्स था और इसी एक्स का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि वो हैलोजन है। तो इस एक्स के जगह पे आप क्लोरीन भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी लिख सकते हो, फ्लोरीन भी लिख सकते हो, आयोडीन भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने क्लोरीन लिखा तो क्लोरीन ही आएगा, आप वहाँ पे कुछ और हैलोजन रख के भी ट्राई करके देखो। ठीक है, होगा क्या भाई, होगा कुछ नया नहीं, यहाँ दिख रहा है जिंक मेटल और यहाँ पे दिख रहे हैं हैलोजन। जेड एन के ऊपर हमेशा चार्ज होता है प्लस टू, मतलब वो दो बॉन्ड बनाएगा, वही चीज़ होगी। तो क्या बाहर निकलेगा, आपका जो बाहर निकलेगा वो रहेगा जेड एन सी एल टू, ये है आपका जेड एन, जेड एन, और एक जेड एन जो है वो दो क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा सी एल सी एल। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, सी एच टू जो दिख रहा है पहले उसको लिख लो, जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना आप लोग उसको एज इट इज़ पहले लिख लो। पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब एक ग्रुप यहाँ से निकला, एक ग्रुप यहाँ से निकला, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला रिएक्शन भी वही होगा, यहाँ दिख रहा है जेड एन और यहाँ पे दिख रहा है आपको बी आर, तो यहाँ से निकलेगा जेड एन और यहाँ से निकलेंगे बी आर। एक जेड एन जो होता है वो दो बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक जेड एन जो है वो दोनों बी आर के साथ में बॉन्ड बनाएगा। देखो कुछ इस तरीके से वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी के साथ में और यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी दिख रहा है पहले उसको लिख लो, पहले बॉन्ड मत ड्रॉ करो, पहले जो दिख रहा है उसको लिख लो, सी एच थ्री, ठीक है, सी एच, सी एच टू। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक ग्रुप निकला, यहाँ से एक ग्रुप निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन कायम हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यहाँ पे भी आपका अल्किन बन जाएगा। याद रखना, जब एक कार्बन से एक ग्रुप निकलता है, दूसरे कार्बन से दूसरा ग्रुप निकलता है, वो तो वो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या होगा थर्ड वाले रिएक्शन में, क्या होगा, यहाँ पे है आपका जेड एन, यहाँ से निकलेगा एक क्लोरीन, यहाँ से निकलेगा आपका सेकेंड क्लोरीन, तो यहाँ पे आपका आएगा जेड एन सी एल टू, ठीक है। फिर आप दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पहले इसको एज इट इज़ देख के लिख लो, बॉन्ड कहाँ पे बनाना है वो बाद में सोचना, पहले एज इट इज़ इसको देख के लिख लेना। ये है आपका सी एच थ्री, ये है आपका सी एच, ये है आपका सी एच और ये है आपका सी एच थ्री, यहाँ से एक क्लोरीन निकला, यहाँ से एक क्लोरीन निकला, मतलब ये दोनों कार्बन में से ग्रुप्स निकले, इस कार्बन से एक क्लोरीन निकला और ये वाले कार्बन से एक क्लोरीन निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन कायम हो जाएगा डबल बॉन्ड में, तो इस टाइप से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जितने भी प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हैं ना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स का हम लोग नेम्स लिख देते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना उसका नेम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारे मार्क्स भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है इथीन, क्योंकि ये दो कार्बन वाला अल्किन है और दो कार्बन वाले अल्किन का नाम होता है इथीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन, तो तीन कार्बन वाले अल्किन का नाम क्या होगा, प्रोपीन। चलिए भाई अब इसकी बात करते हैं, चार कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है ब्यूटेन, तो चार कार्बन वाले अल्किन का नाम क्या होगा, ब्यूटीन, तो भाई यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्यूटीन। अब ज़रा इधर देखना भाई, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ, तो आपका जो डबल बॉन्ड है, आपका जो अल्किन है वो सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे ब्यूट टू इन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनका भी नाम लिखते हैं कि इनका नाम क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसका जो नाम है, इसका नाम है डाई हेलो अल्किन, सभी का नाम आप लिख सकते हो कॉमनली डाई हेलो अल्किन, या तो आप स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हो, इसका नाम रहेगा डाई हेलो इथेन। देखो कैसे, ये भी है आपका हेलोजन, ये भी है आपका हेलोजन, दोनों के दोनों है हेलोजन, तो हम लोग बार बार थोड़ी लिखेंगे हेलो हेलो, क्योंकि ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, डाई हेलो, क्योंकि हेलोजन दो बार आ रहे। ये दो कार्बन है, दो कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, इथेन, तो इसका नाम रहेगा डाई हेलो इथेन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, मतलब एक हेलोजन फर्स्ट नंबर के कार्बन पे है, सेकेंड हेलोजन सेकेंड नंबर के कार्बन पे, इसीलिए इसका पोजीशन क्या देंगे, 1 2 डाई हेलो इथेन। एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते, एक हेलोजन जो है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे है, सेकेंड हेलोजन जो है वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे, मतलब आपके दो हेलोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 2, क्योंकि एक 1 पे है एक 2 पे, इसलिए मैंने लिखा 1 2, दो हेलोजन है तो उसका मतलब होगा डाई हेलो, और दो अल्किन, दो कार्बन वाले अल्किन का नाम होता है इथिन। आगे बढ़ेंगे, ये है 1, ये है 2, यहाँ पे दो हेलोजन तो प्रेजेंट है, मतलब ही यहाँ पे दो क्लोरीन तो प्रेजेंट है लेकिन वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 और डाई क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन दो है तो नाम आएगा डाई क्लोरो, और दो कार्बन वाले अल्किन का नाम होता है आपका इथिन, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे भी हम लोग वैसे नंबरिंग देंगे 1 2 3। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नंबरिंग राइट साइड से ही क्यों दी, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं दी, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 में समझाया था कि जब भी हम लोग नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देना जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने नंबरिंग इस साइड से दी। अब एक ब्रोमिन है आपके फर्स्ट पोजिशन पर, एक ब्रोमिन है आपके सेकेंड पोजिशन पर, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 2, ब्रोमिन 2 है तो डाई ब्रोमो, और जो भी आपका अल्केन है उसमें टोटल 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेन, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। चलिए अब बात करते हैं ब्यूटेन की,
ब्यूटेन में दोनों के दोनों क्लोरीन एब्सोल्युटली बीच में है, तो आप नंबरिंग लेफ्ट से देंगे या राइट से देंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी नंबरिंग दे दो। ठीक है भाई, चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरीन है, इसलिए मैं लिखूंगी 2, 3, क्योंकि एक क्लोरीन है सेकंड पोजीशन पर, एक क्लोरीन है थर्ड पोजीशन पर। क्लोरीन दो है इसलिए नाम आएगा डाई क्लोरो, और आपकी जो पैरेंट चेन है उसमें टोटल 4 कार्बन है, और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हुई आपकी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। बस आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने कि जो भी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हम लोग हैलोजन को रिमूव करते, इसलिए उसका नाम है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शन की थर्ड टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि एलिमिनेशन में टोटल 3 टाइप थे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को रिमूव किया था, सेकेंड था डीहाइड्रेशन जिसमें आपने वाटर को रिमूव किया था, ये दोनों हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कवर किया था, और ये थी आपकी एलिमिनेशन की थर्ड टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम ही है डीहैलोजिनेशन, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में हम लोग हैलोजन को रिमूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जिंक एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर चार्ज +2 होता है, तो वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो दोनों के दोनों हैलोजन को रिमूव करने के लिए कैपेबल है। जब भी यहाँ से एक ग्रुप निकलेगा, यहाँ से एक ग्रुप निकलेगा, तो ये दोनों कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम लोगों ने देख लिया एलिमिनेशन रिएक्शन को कम्प्लीटली, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या हम लोग अल्काइन से प्रिपेयर करेंगे अल्कीन को। तो यस गाइस, इन नेक्स्ट रिएक्शन विल बी सीइंग कि कैसे क्या आप लोग, हाउ विल यू कन्वर्टिंग दी अल्काइन इनटू अल्कीन, कि अल्काइन को हम लोग कैसे क्या अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बहुत सारे अलग अलग वे हैं। तो चलिए देखते हैं सारे के सारी चीज़ों को वन बाय वन विथ ऑल दी बेसिक्स। चलिए भाई, तो देख रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले मेथड को फ्रॉम अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, मतलब कैसे क्या हम लोग अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे अल्काइन से, वो अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे एडिशन ऑन अल्काइन। अब बेसिकली दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम अल्काइन से अल्कीन को प्रिपेयर कर देंगे, जैसा बोला गया हम वैसा भी कर देंगे, लेकिन पहले तो हमको ये बताओ ये अल्काइन क्या चीज़ है और अल्कीन क्या चीज़ है। अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अल्कीन का मतलब क्या होता है और अल्काइन का मतलब क्या होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड्स, मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, और अल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो आप लोग उसको अल्केन बोलते हो, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो आप लोग उसको अल्कीन बोलते हो, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप लोग उसको अल्काइन बोलते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी आप लोगों को ये वाले रिएक्शन में बेसिकली देखना है कि कैसे क्या आप लोग अल्काइन से अल्कीन को बनाएंगे, मतलब कैसे क्या आप लोग ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बनाएंगे, ये चीज़ हमको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखना है। ठीक है, चलिए भाई वो तो हम लोग देख लेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, उसको भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या होता है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर मैंने अल्कीन दिया है तो ये अल्कीन में 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में बताया था कि जो भी आपके अल्कीन्स होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म होता है ना, और हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेरिज्म में भी टोटल 2 टाइप थे, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो मैंने आपको चार्ट की हेल्प से समझाया था, और सेकेंड था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके अल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उसमें टोटल 2 टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है आपका सिस आइसोमर और सेकेंड टाइप होता है आपका ट्रांस आइसोमर। ये दोनों चीज़ें हम लोग लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में एकदम डिटेल्ड वे में विथ बाय टेकिंग ऑल दी एग्जाम्पल्स वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में बताया था कि जो भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहते हैं अल्कीन के उसमें टोटल 2 टाइप होते हैं,
पहला होता है आपका सिस आइसोमर और सेकेंड होता है आपका ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें ये सिस और ट्रांस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो देखो भाई, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि पहला एक अल्किन है आपका ये वाला और सेकेंड अल्किन है आपका ये वाला। कुछ कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये दोनों अल्किल तो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये अल्किन थोड़ा अलग है और ये अल्किन थोड़ा अलग है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों अल्किन काफ़ी डिफरेंट है। ये दोनों के दोनों अल्किन एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करते, क्योंकि इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है ना। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो सी एच थ्री ग्रुप है और यहाँ पे जो सी एच थ्री ग्रुप है, ये दोनों के दोनों सी एच थ्री ग्रुप एक ही साइड में है। ये दोनों के दोनों सी एच थ्री ग्रुप जो है वो सेम साइड में है। और मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम साइड में आते हैं, सी स सेम, बताया था भाई लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में कि सिस जो होता है उसमें जो भी दोनों के दोनों ग्रुप रहते हैं अल्किन पे, वो आपके सेम साइड में आते हैं। याद है सभी को कि जो भी आपका सिस होता है, सिस सेम, तो लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में बताया था भाई कि अगर दोनों के दोनों ग्रुप आपके अल्किन में सेम साइड में आते हैं, सेम साइड में, तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? आप लोग उसको बोलते हो सिस अल्किन, ठीक है। याद रखना इसको क्या बोलेंगे, सिस अल्किन, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रुप आपके अल्किन में सेम साइड में आ रहे हैं। अगर ये नीचे है तो ये भी नीचे ही है, मतलब दोनों के दोनों सेम साइड में, सिस सेम, याद है ना। अब देखो, फिर मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में ये भी बताया था कि अगर आपके जो दो ग्रुप है वो दोनों के दोनों अपोजिट साइड में आते हैं, देखो एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, मतलब दोनों के दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में, तो अगर आपके दोनों के दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में आते हैं, अपोजिट साइड में, तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? ट्रांस। तो इसका नाम रहता है भाई ट्रांस अल्किन, ठीक है। तो अल्किन में दो मेजर टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है आपका सिस अल्किन और सेकेंड टाइप होता है आपका ट्रांस अल्किन। सिस अल्किन में जो भी ग्रुप्स अल्किन से अटैच रहते हैं वो सेम साइड में आते हैं, इसलिए हम लोग उसको सिस अल्किन बोलते हैं। और ट्रांस अल्किन में जो भी आपके दोनों के दोनों ग्रुप रहते हैं वो अपोजिट साइड में रहते हैं, इसलिए आप लोग उसको ट्रांस अल्किन बोलते हो, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग स्टडी करेंगे एडिशन ऑन अल्काइन। तो आप लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हो भाई कि जो भी अल्काइन है ना उसमें आप एडिशन तो करवा सकते हो, क्योंकि अल्काइन का मतलब कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और अभी आपको अल्काइन से अल्किन को बनाना है। लेकिन इसमें टोटल दो टाइप के वे हैं। पहला जो टाइप है वो कहते हैं उसको बाय लिंडार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट, और जो भी सेकंड टाइप है वो होता है आपका बर्ज रिडक्शन। ये जो बर्ज रिडक्शन नाम है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। याद रखना है कि जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसका नाम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, रिएक्शन दिया है, लेकिन मैं, मुझे पता है इसलिए मैं वो आपको नाम बता रही हूँ, उसको बर्ज रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो भी आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट है उसमें आप लोग यूज़ करते हो पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन को हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, इस पीडी का मतलब होता है पल्लाडाइस, इस सी का मतलब होता है चारकोल, ठीक है। पल्लाडाइस चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, इस रिएजेंट को लिंडलार्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए ये कैटलिस्ट को हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि जो भी आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या में क्या क्या होता है, पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, ये जो पीडी होता है इसका मतलब पल्लाडाइज्ड होता है, सी का मतलब होता है चारकोल, और क्विनोलिन का मतलब क्विनोलिन होता है। तो ये जो पूरा का पूरा कैटलिस्ट है ये आपको लिंडलार्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इस कैटलिस्ट को आप लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हो, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप है आपका बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन में देखो क्या आता है, सोडियम
इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। बर्ड्स रिडक्शन में आता है भाई आपका सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। याद रखना है कि ये जो Na होता है, इस Na का मतलब होता है सोडियम, इस Na का मतलब होता है सोडियम, और LiQ का मतलब होता है लिक्विड, NH3 का मतलब होता है अमोनिया। तो अल्काइन से हम लोग अल्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग वे से। पहला तरीका है लिंडलास कैटलिस्ट, सेकेंड तरीका है आपका बाय बर्ड्स रिडक्शन। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट में पल्लाडाइज चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, और बर्ड्स रिडक्शन में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका लिंडलास कैटलिस्ट होता है उसमें अल्काइन से, उसमें आपके अल्काइन से बनता है सिस अल्किन। याद रखना है अल्काइन से अल्किन तो हर कोई बनाने वाला है, लेकिन हर कोई सही अल्किन नहीं बनाएगा। रीज़न ये है, आधे लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि अल्किन में दो टाइप की कैटेगरी होती है, सिस और ट्रांस अल्किन। ठीक है, याद रखना है अल्किन अगर बात करते हैं हम लोग अल्किन की, तो अल्किन में दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका सिस अल्किन, सेकेंड टाइप होता है आपका ट्रांस अल्किन। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है कि अल्काइन से अल्किन तो बनता है, लेकिन दो अलग अलग वे से। लिंडलास कैटलिस्ट में हमेशा आपका सिस अल्किन बनता है। सिस अल्किन मतलब वो अल्किन जिसमें दोनों के दोनों सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में होंगे, उसको हम लोग सिस अल्किन बोलते हैं। और जो भी आपका बर्ड्स रिडक्शन होता है, मतलब ही जिसमें हम लोग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेते हैं, उसमें आपका अल्किन बनता है, और वो जो अल्किन बनता है उसका नाम होता है ट्रांस अल्किन। ठीक है, याद रखना है आपको कि अगर एक में सिस अल्किन है तो सेकेंड में आपका ट्रांस अल्किन ही होगा। और ट्रांस अल्किन का मतलब क्या होता है, अगर दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में, तो उसको आप लोग ट्रांस अल्किन बोलोगे। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग करते हैं रिएक्शंस को। ये तो थी रिएक्शन से पहले वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके बिना अगर आप रिएक्शन करने जाते हो तो बहुत सारे चांसेस है कि रिएक्शन गलत हो सकते हैं। इसलिए रिएक्शन को पढ़ाने से पहले मैंने बेसिक को क्लियर किया, अब अपन रिएक्शन पे करेंगे फोकस। ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि यहाँ पे है आपका पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। तो पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन को देख के आपको एक चीज़ तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लिक हो गई कि ये लिंडलास कैटलिस्ट है। पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन अगर दिख जाए तो आप समझ जाना वो लिंडलास कैटलिस्ट है। और लिंडलार्स कैटलिस्ट में हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, सिस अल्किन का। ठीक है, पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन को हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, और उसमें आपका हमेशा सिस अल्किन बनता है। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली होगा क्या। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका H2 है, मतलब ही जो भी आपका हाइड्रोजन है उसमें टोटल दो H है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे में सेकेंड नंबर आ रहा है, टू नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन भी कितने हैं, दो। अब देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाएगा और सेकंड हाइड्रोजन आपके सेकंड वाले कार्बन पे जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली इतना देखा यहाँ पे कि आपको दिख रहा है पीडीसी, पीडीसी का मतलब होता है पल्लाडियम का चारकोल। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन मतलब लिंडलास रिएजेंट, लिंडलास कैटलिस्ट जिसमें आपके सिस अल्किन का फॉर्मेशन होगा। एच टू थे, इसका मतलब वहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाएगा एक कार्बन पे, सेकेंड हाइड्रोजन जाएगा सेकेंड कार्बन पे। दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन पे ही क्यों जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आपका अनसेचुरेशन है। जहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड होता है या जहाँ पे भी आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, जनरली एडिशन वहीं पे होता है ना, क्योंकि वहाँ पे अनसेचुरेशन होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये आर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आर के पास में सिंगल बॉन्ड है। और जब भी हम लोग किसी भी एटम का या किसी भी ग्रुप का एडिशन करवाते हैं तो वो हम लोग कराते हैं अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ही अक्रॉस अनसैचुरेशन। ठीक है,
चलिए अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका R, ठीक है, ये है आपका C, ये है आपका C, ये है आपका R। जैसा था मैंने वैसा ही उसको एज इट इज देख के लिखा, R C C R, ठीक है। चलिए भाई अब जरा इधर देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के पास जाएगा, हाँ भाई चले गया, और जो सेकेंड हाइड्रोजन है वो सेकेंड वाले कार्बन के पास जाएगा, तो हाँ भाई सेकेंड वाला हाइड्रोजन सेकेंड वाले कार्बन के पास चला गया। अब आप लोगों ने इसके अलावा देखो और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी यहाँ पे आप दो ग्रुप का एडिशन करवाते हो अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन इसके पास गया तो यहाँ आया, सेकेंड हाइड्रोजन ये कार्बन के पास गया तो यहाँ आया, और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो गया। काम की चीज़ ये नहीं है, ये रिएक्शन तो हर कोई कर देगा। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप कौन से साइड में है, सेम साइड में। और अगर ग्रुप का एडिशन सेम साइड में होता है तो इस टाइप के अल्किन को आप लोग क्या बोलते हो, सिस अल्किन। क्योंकि आपको याद रखना है कि लैंडलास कैटलिस्ट में हमेशा सिस अल्किन बनता है, इसलिए यहाँ पे भी आपका सिस अल्किन ही बना। अब देखो भाई यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी आपके दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाएगा फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पर और सेकेंड हाइड्रोजन जाएगा आपके सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग इस चीज़ को बढ़िया तरीके से। ये है आपका CH3, ये है CH3, ये है आपका कार्बन, हाँ भाई कार्बन है। यहाँ पे था आपका ट्रिपल बॉन्ड, फिलहाल उसको नहीं लिखते। ये है आपका सेकेंड वाला कार्बन और ये है आपका CH3। जैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा था मैंने एज इट इज़ उसको वहाँ पे लिख दिया। एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं ये वाले कार्बन पर, एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं ये वाले कार्बन पर। अब यहाँ पे जो आपने एडिशन करवाया वो कराया अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड, और जब भी आप एडिशन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस में कराते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाता है, डबल बॉन्ड में। मतलब ही आपके अल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे जो दोनों के दोनों अल्किन ग्रुप हैं वो सेम साइड में है, इसका मतलब ये भी जो भी अल्किन बना है इसका भी नाम क्या है, इसका भी नाम है आपका सिस अल्किन, ठीक है। चलिए भाई अब ये तो हो गया, जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। मतलब हम लोगों ने लैंडलास कैटलिस्ट वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोग अल्काइन से सिस अल्किन को बनाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बर्च रिडक्शन वाले पार्ट को। पहले उससे ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लिखी है जिसके बिना रिएक्शन नहीं होती है। चलिए भाई अब देखते हैं बर्च रिडक्शन वाले पार्ट को। एकदम ध्यान से देखेंगे सारे के सारे तो सारी चीज़ें आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई चलिए ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे भी आपको H2 दिख रहा है ना, इसका मतलब इस H2 का मतलब भी क्या हुआ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आपको H2 दिख रहा है, इसका मतलब इस H2 का मतलब भी हुआ कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि H2 का मतलब होता है आपके दो हाइड्रोजन। लेकिन आपको सेकेंड थिंग यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये है आपका सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और जो भी आपका सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया है वो अल्काइन से अल्किन को तो बनाता है, लेकिन कौन से अल्किन को वो बनाता है ये भी आपको याद रखना है कि वो आपके ट्रांस अल्किन को बनाता है ना। इसका मतलब इससे आपको समझ में आ जाता है कि अल्किन तो बनने वाला है लेकिन जो भी अल्किन बनेगा वो ट्रांस अल्किन बनेगा, और ट्रांस अल्किन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके दोनों के दोनों ग्रुप रहेंगे वो अपोजिट साइड में रहेंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस अल्किन, राइट। चलिए देखते हैं भाई, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे होने क्या वाला है। एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे से जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर से जाएगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक हाइड्रोजन नीचे से और एक हाइड्रोजन ऊपर से, ऐसा कैसे हो रहा है। तो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ट्रांस अल्किन बनने वाला है ना,
और ट्रांसल्कीन में ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, इसलिए एक नीचे से जाएगा एक ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये है आपका कार्बन, ये है आपका सेकेंड वाला कार्बन, ये है आपका अल्किल ग्रुप और ये है आपका सेकेंड वाला अल्किल ग्रुप। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे से जाएगा, मतलब नीचे से आया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर से जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर से आया। अब यहाँ पे था ट्रिपल बॉन्ड, जब भी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन करवाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है आपके डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो इस टाइप से हुआ। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक अल्किल ग्रुप जो है वो इस साइड में, एक अल्किल ग्रुप जो है वो इस साइड में, मतलब आपके दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में, और अगर ग्रुप अपोजिट साइड में आते हैं तो उस अल्किन को आप लोग क्या बोलते हो, उस अल्किन को आप लोग बोलते हो ट्रांस अल्किन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे वाले कार्बन के पास जाएगा, मतलब नीचे से जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर से जाएगा। यहाँ पे ऐसा एडिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो रिएजेंट लिया है वो है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जो कि बर्ड्स रिडक्शन होता है जिसके वजह से ट्रांस अल्किन के फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका कार्बन, ये है आपका सेकेंड वाला कार्बन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला है आपका CH3 ग्रुप, ये वाला है आपका सेकेंड वाला CH3 ग्रुप। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे से जा रहा है तो मैंने नीचे से लगाया, एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर से जा रहा है तो मैंने ऊपर से लगाया, और जब भी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन करवाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाता है। यहाँ पे भी आपके दोनों के दोनों जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में, इसका मतलब यहाँ पे भी जो आपका अल्किन बना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका ट्रांस अल्किन। ठीक है, तो अल्काइन से आप लोग अल्किन तो बनाएंगे, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है, रिएजेंट देख के समझ जाना है कि कौन सा अल्किन बनने वाला है, सिस या ट्रांस। सिस में दोनों के दोनों ग्रुप सेम साइड में रहेंगे डबल बॉन्ड के, और ट्रांस में दोनों के दोनों ग्रुप जो होते हैं सिमिलर वाले वो अपोजिट साइड में होते हैं। जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के रिएक्शंस की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। चलिए भाई, तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सारे के सारे अल्किन में वैरी करता है, और उसके बाद में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिकली बॉइलिंग पॉइंट को, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्किन का वो कैसे क्या होता है, कैसे क्या वो वेरिएशन को दिखाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये तो भाई एक इंडिविजुअल थिंग है, ऐसा थोड़ी कि अल्किन के लिए अलग तरीके से वैरी करेगा, अल्किन के लिए अलग तरीके से, अल्काइन के लिए अलग तरीके से, ऐसा थोड़ी होने वाला है। जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो डिपेंडेंसी होता है, मतलब जो जो चीज़ों के ऊपर में वो डिपेंड करता है वो तो सेम ही रहेगी ना, चाहे कंपाउंड कोई भी आए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जज करने का जो तरीका है वो तो अपना सेम ही रहेगा। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। याद रखना है भाई कि जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास को, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग को। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस किए बिना ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी। चलिए भाई, इतने एग्जांपल्स काफ़ी है जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये सारे के सारे कंपाउंड में वैरी करेगा।
तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका इथीन है ना, इथीन के स्पेलिंग में भी ई एन ही आ रहा है, प्रोपीन के स्पेलिंग में भी ई आ रहा है, ब्यूटीन के स्पेलिंग में भी आ रहा है और पेंटीन के स्पेलिंग में भी आ रहा है। मतलब ये जो सारे के सारे कंपाउंड हैं ये सारे के सारे अल्कीन्स है, क्योंकि इन सभी के स्पेलिंग में ई एन ही आ रहा है। तो अपन को एक आइडिया मिल गया कि ये सारे के सारे आपके अल्कीन्स है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ज़रा आगे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको यहाँ पे बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका वेरिएशन कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका ऑर्डर कैसे होगा। चलिए देखते हैं। ये जो इथीन है ना, इथीन इसमें टोटल दो कार्बन है, मतलब ये आपका दो कार्बन वाला अल्कीन है। अगर मैं बात करती हूँ प्रोपीन की, तो प्रोपीन जो है वो आपका तीन कार्बन वाला अल्कीन है। अगर मैं ब्यूटीन की बात करती हूँ तो वो आपका चार कार्बन वाला अल्कीन है, और अगर मैं पेंटीन की बात करती हूँ तो वो आपका पाँच कार्बन वाला अल्कीन है, ठीक है। तो इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें पाँच है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जैसे जैसे आप लोग टॉप टू बॉटम जाते हो, जैसे जैसे आप लोग टॉप टू बॉटम जाते हो, तो आप लोगों ने जो पहला पॉइंट ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम वो इंक्रीज हो रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखो, जैसे आप लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आपके जो कार्बन एटम का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके इंक्रीज होते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास रहेगा ना, मॉलिक्यूलर मास जाहिर सी बात है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर कार्बन एटम का नंबर बढ़ता है हाइड्रोजन एटम भी बढ़ेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का जो वेरिएशन था उसमें ये देखा कि जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास को। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो भी आपके सारे के सारे अल्कीन हैं, इसमें अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट को। जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जो अल्कीन है वो कैसे अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाता है अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ में, या अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन विद वेरियस अदर कंपाउंड, मतलब ही जिसको हम लोग कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन जिसमें हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, कि जब भी हम लोग अल्कीन का करवाते हैं हैलोजिनेशन, तो आपकी रिएक्शन कैसे क्या होती है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन को, कि कैसे क्या हम लोग अल्कीन का हैलोजिनेशन करवाएंगे। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को, सभी लोग यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखेंगे। कुछ पॉइंट्स आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो पॉइंट्स ये है भाई, कि जो भी CCl4 है, ये CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपको याद रखना है।
कि जो भी आपका CCl4 होता है उसी को आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हो। ठीक है, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी, इस सी का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl और Cl कितने हैं, चार, तो चार का मतलब होता है टेट्रा और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो आप लोगों ने भाई ये देखा कि ये जो कार्बन है इसका मतलब होता है सी, इस Cl का मतलब होता है क्लोराइड और इस 4 का मतलब होता है टेट्रा, तो इसका मतलब होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है ये हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जब हम लोग को किसी भी टाइप की हैलोजिनेशन रिएक्शन को करवाना है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये एक्स है, इस एक्स का मतलब होता है हैलोजन। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो एक्स है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, जो ये एक्स होता है इसको आप लोग हैलोजन बोलते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो इस रिएक्शन से रिलेटेड है वो पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन में आप लोग आयोडीन का एडिशन नहीं करवा सकते हो, मतलब आप लोग फ्लोरीन का एडिशन करवा सकते हो एज अ हैलोजिनेशन करके, क्लोरीन का भी एडिशन करवा सकते हो, आप लोग ब्रोमीन का भी एडिशन करवा सकते हो, लेकिन आप लोग इस रिएक्शन से आयोडीन का एडिशन नहीं करवा सकते। वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि आयोडीन जो होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो हो सकता है कि एडिशन बिकम्स डिफ़िकल्ट इन दैट केस। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसका नाम ही है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका कंपाउंड है अल्कीन वो कैसे अलग अलग चीज़ों के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि नाम के अंदर में ही हारा है हैलोजिनेशन, मतलब ही इससे आपको एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे आपको हैलोजन का एडिशन करवाना है ना, हैलोजिनेशन नाम ही है, मतलब ही एडिशन किसका कराएंगे, हैलोजन का। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हैलोजन का तो मैं एडिशन कराऊंगा, लेकिन हैलोजन का एडिशन बेसिकली मुझे क्या कराना है, तो आपको याद रखना है कि जो भी आपका एडिशन होता है वो हम लोग हमेशा करवाते हैं अक्रॉस अनसेचुरेशन, मतलब ही हम लोग उस पोजीशन पे एडिशन करवाते हैं जिस पोजीशन पे आपका या तो डबल बॉन्ड आता हो या तो आपका ट्रिपल बॉन्ड आता हो, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इस X2 की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसका मतलब होता है 2X। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, ये जो X2 है इस X के नीचे में 2 है, इसका मतलब 2X है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ Cl2 की, तो Cl2 के नीचे में 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन भी कितने होंगे, 2 हो गए। अगर मैं बात करती हूँ Br2 की, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे आपके ब्रोमीन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। और मैंने आयोडीन वाली रिएक्शन इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये जो अल्कीन्स होते हैं इनमें हम लोग आयोडीन का एडिशन नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एडिशन हम लोग हमेशा अक्रॉस डबल बॉन्ड करवाते हैं, तो एक हैलोजन जो है ये वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, सेकंड हैलोजन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा। चलिए भाई देखते हैं कि किस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये है आपका कार्बन, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे, ये है आपका पहला कार्बन और उससे अटैच ये 2 हाइड्रोजन है भाई। ठीक है, ये है आपका सेकेंड वाला कार्बन और उससे अटैच ये 2 हैलोजन है भाई। ठीक है, जो ये चीज़ था उसको मैंने एज इट इज़ देख के वहाँ लिख लिया। अब जो एक एक्स है, मतलब जो एक हैलोजन है वो पहले वाले कार्बन पे जाएगा, जो एक एक्स है मतलब जो सेकंड वाला हैलोजन है वो आपके सेकंड वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोग डबल बॉन्ड पे एडिशन कराएंगे तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। याद रखना है आपको एक ही चीज़, अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करवाया, ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करवाया तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, लेकिन अगर आपने एडिशन करवाया डबल बॉन्ड पे तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है भाई आपके सिंगल बॉन्ड में। याद रखना है, करना कुछ भी नहीं है आपको, बस एक बॉन्ड को कम करना है। अगर बॉन्ड 3 है उस पर अगर आप लोग एडिशन करवा रहे हो तो 3 बॉन्ड का 2 बॉन्ड में कन्वर्शन हो जाएगा, -1 कर देना। अगर आप 2 बॉन्ड पर एडिशन करा रहे हो तो 2 बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको एज इट इज़ -1 ही करना है। यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होंगे। अगर 3 होते थे तो 3 का डबल में, और अगर 2 है तो 2 का सिंगल में, वही हुआ 2 का सिंगल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग नीचे वाले रिएक्शंस को। यहाँ पे भी हम लोग एज इट इज़ कार्बन को लेंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये है आपका हाइड्रोजन,
ठीक है भाई, ये है आपका सेकेंड वाला हाइड्रोजन, ये है आपका नेक्स्ट वाला कार्बन, और यहाँ पे भी एज इट इज़ हाइड्रोजन भी मैंने लिखे। जो चीज़ थी उसको मैंने एज इट इज़ देख के लिखा, कुछ भी चेंजेस वहाँ पे नहीं किए। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा। बेसिकली एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है भाई, अब ज़रा देखना होगा क्या। एक क्लोरीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, सेकेंड क्लोरीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा। तो पहला क्लोरीन आया ये कार्बन पे, सेकेंड क्लोरीन जाएगा ये वाले कार्बन पर। अगर एडिशन आप लोग डबल बॉन्ड के अक्रॉस करा दें तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काई में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं एडिशन यहाँ कराऊँ, यहाँ कराऊँ या यहाँ कराऊँ। तो आपको तो बस इतना ही याद रखना है कि हम लोग हमेशा एडिशन कराते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड, हमेशा एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड ही कराते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका CH3 एज इट इज़, पहले देख के लिख लेना। ये हुआ आपका कार्बन, ठीक है, ये हुआ आपका नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन से जो भी दो हाइड्रोजन आपके अटैच थे वो दो हाइड्रोजन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है भाई, अब ज़रा हमको एज इट इज़ चीज़ों को समझना है। ठीक है, देखो क्या होगा, एक ब्रोमिन जो है वो ये वाले कार्बन पर जाएगा, तो एक ब्रोमिन ये वाले कार्बन पर जाएगा, और सेकेंड ब्रोमीन जो है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, तो सेकेंड ब्रोमीन जाएगा ये वाले कार्बन पर। जब भी आप लोग एडिशन कराते हो तो आपके डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काई में हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये सारे के सारे जो भी कंपाउंड्स हैं उनका नाम लिखना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने नाम नहीं लिखा, उनका नेमिंग नहीं किया, तो उससे आपके वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग ये सारे के सारे कंपाउंड्स का नेमिंग। इसका नाम होता है इथीन। आपको बस इतना ही याद रखना है कि दो कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है इथीन। तो दो कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होगा, इथीन। यहाँ पे भी आपके दो कार्बन वाले अल्कीन है इसलिए इसका भी नाम होगा इथीन। यहाँ पे आपके तीन कार्बन वाला अल्कीन है उसका नाम होगा प्रोपीन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि ये है Cl2, Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन। ये है Br2, Br2 का मतलब होता है भाई आपका ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर देखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये है आपका 1, ये है आपका 2। ठीक है, तो एक है हैलोजन आपके फर्स्ट पोजीशन पर, एक हैलोजन है आपके सेकंड पोजीशन पर, इसलिए मैं लिखूँगी 1, 2, क्योंकि एक हैलोजन फर्स्ट पे एक सेकंड पे। हैलोजन 2 है इसलिए मैं लिखूँगी डाई हेलो, और ये है आपका दो कार्बन वाला अल्केन इसलिए उसका नाम क्या आएगा, इथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, ये है फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकंड नंबर। आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, याद रखना IUPAC नेम देते वक्त हमेशा नंबरिंग उस साइड से करना जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को या अटैच ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अब क्लोरीन जो है वो 1-2 पोजिशन पर है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 2। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, इसलिए आएगा डाई क्लोरो। और आगे आप लोगों ने यहाँ ये देखा भाई कि ये दो कार्बन वाला अल्किन है, दो कार्बन वाले अल्किन का नाम क्या होता है, इथेन। याद रखना अगर वहाँ इथेन लिया तो यहाँ इथेन बनेगा, यहाँ पे भी इथेन था तो यहाँ पे इथेन बना। अब वहाँ पे आपने प्रोपीन लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपीन। अगर इथेन लेते हो तो इथेन बनेगा, प्रोपीन लेंगे तो प्रोपीन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबरिंग हम लोग इसी साइड से करेंगे, राइट साइड से। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करती थी तो मेरे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को बड़ा नंबर मिलता था, लेकिन रूल ये कहता है कि हमेशा नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से आपके फंक्शन ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ पे राइट साइड से की। चलिए अब आप यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो आपका ब्रोमीन है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है इसलिए मैंने लिखा 1, 2। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ब्रोमीन आपके 2 है इसीलिए मैंने लिखा डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो। और ये जो पैरेंट चेन है, ये जो आपका अल्केन है, इसमें टोटल देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और 3 कार्बन वाले अल्किन का नाम होता है प्रोपीन। तो ये हुए आपके सारे के सारे जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं इस हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन में, उन सबके नाम मैंने आपको सिस्टमैटिकली बताया है कि कैसे क्या एडिशन करते हैं, कैसे क्या बॉन्ड का कन्वर्शन होता है ट्रिपल का डबल में और डबल का सिंगल में, और एडिशन कहाँ पे होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको एरो की हेल्प से भी एक्सप्लेन की है। ठीक है, टेक्स्ट बुक से अगर आप पढ़ते हो तो डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हो सके तो सिस्टमैटिकली इसको पढ़ो और नोट्स भी बनाते जाओ। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कवर हो रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के भी,
तो जो भी ये चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ेगा, इट्स गोइंग टू हेल्प हिम और हर इन 12th स्टैंडर्ड लाइक एनीथिंग। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर से। पार्ट्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे कोर्स बहुत ज़्यादा है, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर मैं कुछ भी पार्ट छोड़ देती हूँ तो आपको फिर अभी तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आपको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नोट्स और टेस्ट पेपर को नहीं देख रहे हैं तो जाओ, ज़रा जाओ वहाँ पे, जो पवन बाग एकेडमी का जो ऐप है वो ऐप पे आप लोग 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड पे क्लिक करो और आप लोग वो सब्जेक्ट को क्लिक करो। लाइक केमिस्ट्री अगर क्लिक करते हो तो यू विल गेट द टेस्ट पेपर्स एंड नोट्स फॉर केमिस्ट्री। सारे टॉपिक्स के नोट्स तो कवर नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स वहाँ पे आ गए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के वहाँ पे टर्म पेपर्स भी आ गए हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में। केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अदर सब्जेक्ट्स के भी है। तो आप जाओ ज़रा देखो वहाँ पे, क्योंकि वो टेस्ट पेपर्स को देख के यू विल गेट सम आइडिया कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किस टाइप के पेपर में आते हैं, एमसीक्यू कैसे लेवल के आते हैं। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।